जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में, और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या प्लान था, किस तरीके से मार्केट ने उस प्लान को फॉलो किया है, कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, ऑप्शन चेन डेटा किस तरीके से बन के आया है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो मार्केट से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिल पाए। और यार इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 2000 लाइक्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुँच सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल के लिए जो है कल के दिन हमने क्या प्लान किया था और आगे हम क्या प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले हम उस चीज़ को जो है डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कल शाम को, जो मैंने FNO डेटा शेयर किया था उसमें मैंने बोला था कि नेगेटिव टू साइडवेज डेटा है। सुबह मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, वो मैंने निफ्टी वाली वीडियो में भी आपको बताया। मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था जो PCR है वो ओवरसोल्ड है तो बाउंसेज आएंगे। कल हमारी बात क्या हुई थी, मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था कि 34,900 का लेवल एक बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हमें अच्छी खासी सेलिंग होगी और पहला टारगेट हमारा 700-650 की रेंज जो है वहाँ पे मार्केट जाके सेटल हो सकता है। ठीक है, तो 34,900 निकलने पर 34,900 की हमने पुट ऑप्शन बाय करने का प्लान किया था, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला होगा जिन लोगों ने भी उस ट्रेड को फॉलो किया है। दूसरी चीज़, मैंने ऊपर की साइड के लिए आप लोगों को क्या बोला था, मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला था अगर आपको ऊपर की साइड का प्ले करना है, अगर आप लोगों को ऊपर की साइड बाउंसेस का ओवरसोल्ड PCR है या सारी चीज़ें हैं तो इसका अगर आपको प्ले करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, 50-50 पॉइंट्स पे प्रॉफिट लेना पड़ेगा क्योंकि हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्रिटिकल लेवल था 35,050 का लेवल, ये लेवल टूटता तो मैंने आप लोगों को बोला था ऊपर की साइड मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 150 तक जा सकता है। 150 अगर टूटेगा तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट, 230 के एरिया के आसपास जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट, पहले ये एरियाज जो हैं, ये एरियाज जो प्राइस एक्शन जहाँ दिखाता है, जैसे हम बोलते हैं प्राइस एज अ मेमोरी, तो इस एरिया पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे तो ये जब प्राइस नीचे से ऊपर आएगा तो इस एरिया पे एक बार रेजिस्टेंस भी लेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था क्योंकि डेटा कॉन्ट्रेडिक्टरी था, ऊपर मार्केट जा रहा था डेटा नेगेटिव था पहली चीज़, दूसरी चीज़ कॉल राइटिंग काफ़ी अग्रेसिव हुई थी कल के दिन, वो चीज़ें मेरे को बोल रही थी कि अगर ऊपर जाएगा तो हम क्विक 50-100 पॉइंट का अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा तो हम फटाफट बुक करेंगे, होल्ड करने वाला ट्रेड नहीं है। और आपको पता है बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट तो कुछ भी नहीं होते, इसीलिए मैं थोड़ा फेवर में नहीं था जो है बाउंस पे प्ले करने का, क्योंकि मैं डेटा के साथ जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके साथ जो है वो अभी के लिए जाना चाहता हूँ और अभी के लिए ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड में इस वक्त चल रहा है। तो अब हमें कल के लिए क्या प्लान करना है, उसके लिए हम सबसे पहले जो है FNO डेटा देखते हैं और किस तरीके से मोमेंटम हुआ है आज के दिन, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर मैं जाता हूँ आज के दिन, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 35,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉल साइड लगभग 19,000 का जो है OI ऐड हुआ है, लगभग 35,100 पे 13,000, 8,000, 8,000, 35,200, 300 की स्ट्राइक प्राइसेस पे, और 35,500 पे अनवाइंडिंग हुई है, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये बुक हुआ होगा। दूसरी चीज़, अगर आप पुट की साइड देखते हैं तो 35,000 पे एक टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ आज के टाइम में जब मैं FNO डेटा जो है ऑप्शन चेन पे चेक कर रहा था, इंट्राडे में 1,00,000 से ज़्यादा का OI हो चुका था कॉल की साइड, 1,08,000 के आसपास हमें 35,000 की स् ट्राइक पर, और 1,20,000 से ज़्यादा का OI हमें पुट की साइड बन रहा था 35,000 पे। इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि 34,900, 35,000 ये रेंज अगर मार्केट निकालेगा तो अच्छा शार्प सेल ऑफ मिलेगा, क्योंकि दो पॉइंट आ जाते हैं। एक तो 34,900 टेक्निकली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था हमारा, मतलब अगर आप 22 मई से चार्ट को देखें 24 मई से, तो हमें दिखाई देगा कि मार्केट बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को निकालता है, सपोर्ट लेता है, निकालता है, सपोर्ट लेता है। बहुत स्ट्रगल वाला एरिया है ये बैंक निफ्टी के लिए, और अगर 1-1.5 महीने तक कोई लेवल स्ट्रगल वाला रहता है उसको मार्केट 1.5 महीने बाद जब दोबारा से नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे रहा है तो वो एक नेगेटिव साइन है और अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। 100 से 200, 250 पॉइंट आपको कहीं नहीं जाते उसमें।
दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, आज के दिन ये सारे जितने भी पुट राइटर्स हैं उन्होंने लॉस में पोजीशंस बुक करी हैं, स्पेशली 35,000 वाले पुट राइटर ने। आज बैंक निफ्टी में अगर कहीं पे मीनिंगफुल पुट राइटिंग हुई है अगर आप मेरे से पूछते हैं तो वो 34,700 पे हुई है, जो कि 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो 34,700 अब हमारे लिए कल के लिए FNO डेटा के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। 28,000 कॉन्ट्रैक्ट है मगर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का रेजिस्टेंस 35,000 पे है, जो कि लगभग आप बोल सकते हैं 4 गुना रेजिस्टेंस है सपोर्ट के मुकाबले। दूसरी चीज़ जो एक रॉक बॉटम सपोर्ट बन के आ रहा है वो 34,500 का है, जहाँ पे 40,000 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स राइट किए गए हैं, मगर इसमें भी अनवाइंडिंग हुई है। आज इसमें प्रॉफिट बना होगा क्योंकि बहुत दिनों तक इन्हें ऊपर रखा, साइडवेज रखा था मार्केट को, बट ये चीज़ आज डेटा में देखने को मिली है कि पोजीशंस उतनी नहीं बनी है पुट की साइड आज भी जितनी कल के दिन हमें देखने को मिली थी। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं, पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है बार बार, कॉल राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, बाउंस करके थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है और उसके बाद मार्केट को नीचे लाया जाता है, पैटर्न अभी तक ये बना हुआ है। अब हम कल के लिए क्या स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, क्या हमारा लेवल होगा? देखिए एक चीज अगर आप यहां पे देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए अगर पहला कोई सपोर्ट यहां पे निकल के आ रहा है वो 34,650 का लेवल निकल के आ रहा है, तो 34,650 एक जो है सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर 34,650 निकलता है तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं 34,500 और 34,390, ये दो लेवल्स तक भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, हम 34,600 की पुट ऑप्शन बाय करके कर सकते हैं, ठीक है। बट बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, कल एक्सपायरी का दिन है, या तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में करिएगा या फिर मंथली एक्सपायरी में करिएगा, अवॉइड करिएगा कल अगर आपको सुबह के टाइम ट्रेड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट कहीं इस एरिया में ओपन हो जाता है, ये ऊपर की साइड आपके लिए 900 हो गया, नीचे की साइड 700, आप 650 की जगह आप 700 मान लीजिए कि हम 700 से 650 है, 150 से 200 पॉइंट की रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए, अगर मान लीजिए कल के दिन बैंक निफ्टी 1230 तक इस रेंज में कहीं ओपन होके इस रेंज में ही पूरे दिन जो है टाइम स्पेंड करता है, तो आई एम होपफुल सेकेंड हाफ में हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो मिल सकता है किसी भी साइड का, एक अगर अच्छा मोमेंटम हमें मिलेगा तो मिल सकता है। बट प्रिफर मैं ये करूँगा अगर सेकंड हाफ तक ये इस रेंज में रहा और उसके बाद 34,650, 600 या फिर 700 की रेंज निकालेगा तो मैं 34,600 की एक हीरो जीरो पुट जो है वो बाय करने की कोशिश करूँगा सेकेंड हाफ में, अगर निकालेगा तब ही। बाकी अगर ये साइडवेज ओपन होता है या माइनर गैप डाउन ओपन होता है और 34,650 को नहीं निकालता, तब तक मेरे को शॉर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो ऑपरेटर्स लोग हैं ये मार्केट को रेंज में रखेंगे और आप लोगों का कॉल पुट का पैसा खाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा कल के दिन ट्रेड करना, स्पेशली सुबह के टाइम अगर कोई मोमेंटम नहीं आता है तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में कोई फ़ायदा नहीं है भाई ट्रेड करने का, ये इसी रेंज में ऊपर नीचे घूमता रहेगा, ठीक है। ऊपर की साइड बड़ा मोमेंटम तब तक नहीं आ सकता जब तक 35,050 का लेवल नहीं टूटता, बट वही सिचुएशन है 35,050 का टूट भी जाए तो 35,100, 200, 300 इस पे बहुत एग्रेसिव राइटिंग है। अगर कंपैरेटिवली पुट राइटिंग की बात करें तो वो अभी भी बहुत कम है, और यहीं पे अगर आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का अभी भी है वो 35,000 पे है, जहाँ पे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो राइट है, तो ये राइट करे हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले लोग हैं ये फंस चुके हैं, ठीक है, ये फंस चुके हैं। और अगर मार्केट सेकंड हाफ में कल 35 के ऊपर नहीं आता है तो ये लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करने का या लॉस बुक करने का जो है वो ट्राई करेंगे, और इसमें आपको जो है वो शार्प सेलिंग कल के दिन देखने को मिल सकती है। सेकंड हाफ में जो अपना हीरो जीरो ट्रेड बनता है वो अच्छा खासा बन सकता है, तो इसीलिए कल के लिए हमारा यही प्लान है। बाउंसेस मिलेंगे तो मैं बार बार कहता हूँ अगर 34,900 टूटेगा तो टारगेट बहुत छोटा रखिए, 35,050 का रखिए, 35,050 टूटेगा 35,150 का रखिए, 100-150 पॉइंट के ऊपर के साइड के टारगेट लेके फटाफट स्कैल्प करने की स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेहतर होगी। बट अगर आपको थोड़ा लंबा खेलना है, स्विंग टाइप एक 400-500 पॉइंट या 300-400 पॉइंट का ट्रेड बनाना है तो वो डाउन साइड में उसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई सपोर्ट आपको नहीं दिख रहा है।
फिर भी अगर 35,050 के ऊपर निकलता है तो आप एक 35,000 की एक कॉल ऑप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं सेकेंड हाफ में, अगर आपको इस तरीके का एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो। बाकी तो मैं टेलीग्राम पे कुछ होगा वो अपडेट कर ही दूंगा, आज थोड़ा मैं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट कल से दोबारा से मैं अपडेटेड रहूँगा सारे लेवल्स के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, और हाँ पर्सनल ट्रेड ग्रुप का मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं उसमें क्या चलता रहता है, तो हमने कमिंग्स कल के दिन जो है वो क्यूमिंस इंडिया जो है वो दिया था, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, लगभग डबल हो चुकी है कॉल, और रिलायंस भी आज के दिन दिया था तो रिलायंस भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल कर रहा है। और अगर आप पर्सनल ट्रेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं आप स्टॉक जीरोधा में, आप अकाउंट बना के फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं भाई। जो हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, लॉस होगा प्रॉफिट होगा सब जो है साथ में जो हम ग्रो करेंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद वंदे मातरम।